जानते हैं कि बचपन कितना सुहाना होता है। ना कोई चिंता होती है, ना कोई फिक्र होती है, बस मौज ही मौज होता है। किसी को निंजा हथौड़ी देखना पसंद होता है तो किसी को डोरेमोन देखना पसंद होता है। लेकिन उसी समय अगर आप पढ़ाई की बात कर दें तो लाखों बहाने होते हैं बच्चों के पास कि आज मेरे पेट में दर्द है, आज मुझे बुखार है। पर दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की गाथा जिन्होंने बचपन में अपने पिताजी से सिर्फ इसलिए झगड़ा किया कि उनको तेज बुखार था और उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा आराम कर लो, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फिजिक्स पढ़ना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की जिन्होंने प्रकाश की दुनिया पर प्रकाश डाला। आज के हमारे हीरो हैं नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1888 को मद्रास के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। एक बार की बात है, वो मेडिटेरेनियन सी में जहाज पर जा रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया कि समुद्र नीला क्यों होता है। उनसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम रेले था, उन्होंने बोला था कि समुद्र नीला इसलिए होता है क्योंकि आकाश के रिफ्लेक्शन से वो नीला हो जाता है। फिर उनके दिमाग में एक और सवाल आया कि अगर वो एक पानी से भरे गिलास को आसमान के तले रख देंगे तो क्या वो नीला होगा? नहीं, वो तो ट्रांसपेरेंट होगा। इसलिए उन्होंने इस पर रिसर्च करने का फैसला लिया। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की और ये खोजा कि उसका संबंध पानी के मॉलिक्यूल से होता है, पर कैसे था ये अगला सवाल था। इसलिए उन्होंने इस पर थोड़ी और रिसर्च की और एक फिनोमेनन ढूंढा जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। वो भारत के पहले एशियन बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और वह नोबेल प्राइज लेने के लिए इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो पहले से ही टिकट बुक करके स्वीडन पहुंच गए थे। वह अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। नोबेल प्राइज लेने के लिए वे अपनी पारंपरिक पोशाक में पहुंचे। उन्होंने रिसर्च से साबित किया कि भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स के बराबर हैं। रमन ने एक बार कहा था, मैं अपनी पगड़ी इसलिए पहनता हूं जिससे लोगों की तारीफें जो मेरे मन में जा रही हैं वो तारीफें अहंकार बनकर बाहर ना निकले। उन्हें अक्टूबर 1970 के अंत में कार्डियक अरेस्ट हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि वे बस 4 घंटे जिएंगे, पर वे कई दिन जिए। रदरफोर्ड ने रमन इफेक्ट को उनकी सर्वोत्तम खोजों में से एक बताया। 21 नवंबर 1970 को वे दुनिया को अलविदा कह गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया। भारत उनके योगदानों को कभी नहीं भूल सकता। ऐसे महापुरुष को हमारा शत शत नमन।